हेलो एवरीवन, आज हम लोग झारखंड के जितने भी योजनाएं हैं उनका पार्ट टू देखने वाले हैं। पार्ट वन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है आप लोग के लिए, तो जितने भी कैंडिडेट पार्ट वन को नहीं देखें उनसे निवेदन कि वो पार्ट वन को पहले देख लें फिर पार्ट टू को देखें, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं मान के चलिए यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके आने ही वाले हैं, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के एग्जाम में के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो है दोनों जो वीडियो है इसे देखिएगा और एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता और मुझे जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। देखिए आज का जो पहला योजना है, देखिए आर्या योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है ये, और इस योजना का दोस्तों फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पहले बन चुका है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। क्या होता है आर्या का फुल फॉर्म होता है Attracting Rural Youth in Agriculture। ठीक है, ये योजना का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है ये योजना जो है इसकी शुरुआत हुई है 2017 में। ठीक है, कब हुई है 2017 में हुई है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि झारखंड जो है हरित क्रांति लाने का इस योजना के उद्देश्य है कि झारखंड जो है इस योजना के जरिए हरित क्रांति लाने की कोशिश कर रही है राज्य में। ठीक है, इसमें जो है ग्रामीण जो युवक है उनको कृषि से जोड़ना है एवं दलहन की जो खेती है उसको प्रोत्साहित करके उसमें वृद्धि करना है। ठीक है, जो दलहन की खेती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आर्य योजना के जरिए कौन सी खेती को बढ़ावा दे रही है सरकार, तो वो है दलहन की खेती को। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये जो हम लोग का हो गया, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो योजनाएं हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट योजना है शहीद ग्राम विकास योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पहले बन चुका है। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 17 सितंबर 2017 को। कब हुई थी 17 सितंबर 2017 को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी बिरसा मुंडा के गाँव उलिहातू से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस जो शहीद ग्राम विकास योजना इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो उलिहातू जो कि बिरसा मुंडा जी का गांव है। ठीक है, इस योजना की जो शुभारंभ किया था यानी कि उद्घाटन किया था वो अमित शाह के द्वारा किया गया, जो कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, इस योजना के तहत शहीदों के परिवारों के लिए पक्के घर बनाना एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, यानी कि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों जो कि देश की आज़ादी के समय इन्होंने जो है योगदान दिया था देश के लिए, उनके गाँव को विकसित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आई होप कि इस योजना के बारे में आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जानकारी मिल चुकी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री जनवन योजना। क्या नाम है, मुख्यमंत्री जनवन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी शुरुआत, 2015 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य, ठीक है, इस योजना का उद्देश्य जो पर्यावरण है, ये प्रवीण नहीं होगा, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। किसको, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। इसके अंतर्गत लाभुकों को निजी भूमि पर वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव पर व्यय की राशि प्रदान की जाती है, यानी कि कुछ वृक्ष भी जो है सरकार की तरफ से दिए जाते हैं इस जनवन योजना के तहत, ताकि जो प्राकृतिक का संतुलन है उसे सरकार बनाए रख सके, और जो भी लाभुक हैं उन्हें ये दिया जाता है ताकि वो अपने जो ज़मीन है उस पर खेती कर सके, जो पेड़ पौधे हैं वो लगा सके, और उसके ऊपर जितने खर्चे आएंगे वो कौन देगी, वो देगी राज्य सरकार। ठीक है, चलिए इस योजना की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई, अब हम लोग नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह योजना। ये झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है अंतरजातीय विवाह करने पर दोस्तों कितनी राशि दी जाएगी, 2.5 लाख रुपया, यानी कि 2,50,000 रुपये की राशि दी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि अंतर्जातीय विवाह करने पर झारखंड सरकार कितनी राशि जो है अभी उपलब्ध करा रही, तो वो है 2,50,000। ठीक है, इस योजना का लाभ वैसे जोड़े जो हैं वर वधु ले सकते हैं, जो कि अगर मान के चलिए दोनों में से एक कोई सामान्य वर्ग से होना चाहिए और जो दूसरा है वो किसी जनजातीय समुदाय से होना चाहिए, ऐसे जोड़ों को जो है ये
अंतर जाति विवाह योजना का जो है लाभ है वो मिल सकता है, यानी कि एक सामान्य वर्ग से होना चाहिए और दूसरा जो है वो किसी भी जनजातीय समुदाय से होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जोड़ों को ही जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। इसे ही दोस्तों अंतर जातीय विवाह कहा जाता है, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जातिवाद एवं जो छुआछूत जैसी कुप्रथा है उसको खत्म करना है, इस योजना का लाभ है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि जो है कि झारखंड सरकार जो है छुआछूत और जातिवाद जैसे कुप्रथा से लड़ने के लिए कौन सी जो है अभी एक योजना अभी चलाई जा रही है झारखंड सरकार की ओर, तो वह अंतर जातीय विवाह योजना, ठीक है। इस योजना का यही मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है उस योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट जो योजना है वो है मुख्यमंत्री CMFY योजना। ये CMFY योजना इसका फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बन चुका है, ठीक है। तो CMFY योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ मिनिस्टर फेलोशिप योजना। क्या होता है? चीफ मिनिस्टर फेलोशिप योजना। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को किया गया है। कब किया गया है? 24 जनवरी 2018 को। कहां किया गया है? तो इसकी शुरुआत रांची जिले से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है झारखंड के तमाम गरीब छात्र छात्राएं जो पैसों के कारण जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना, ठीक है, ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी कि पैसों की कमी के कारण जो छात्र छात्राएं अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे उनको जो है छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना और उन्हें जो है उच्च शिक्षा जो है दिलाना, यही जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका डेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो योजना उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट योजना की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट योजना है जोहार योजना। ये झारखंड की मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? 15 नवंबर 2017। 15 नवंबर जो कि झारखंड का स्थापना दिवस है और जो है जो बिरसा मुंडा जी है उनका भी जन्मदिवस है, तो इसे याद रखिएगा 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर 2017 जो है जोहार योजना का जो है उद्घाटन किया गया था इस योजना का, और किसने किया था? श्री रामनाथ कोविंद ने, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति हैं भारत के। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जोहार का फुल फॉर्म। जोहार का फुल फॉर्म भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। क्या होता है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है कृषि आधारित आधुनिक तकनीकों से लोगों को जो है अवगत कराना एवं उसकी ट्रेनिंग देना, साथ ही मत्स्य पालन एवं पशुपालन जैसे ट्रेनिंग भी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इस योजना को है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा किसने जो है इस योजना को है लॉन्च किया है। तो ये क्या है? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जो योजना है ये छोटी छोटी योजना है जिनसे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब शुरू हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। इसमें क्या होता है कि जो निम्न वर्ग हैं जिनकी जो वार्षिक आय है वो 72,000 से कम है उन्हें जो है 2 लाख तक का बीमा दिया जाता है इस योजना के जरिए, ठीक है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है उनमें कितने लाख तक मतलब कितना पैसा जो है इसमें कितने रुपए का बीमा योजना होता है? तो 2 लाख तक का इसमें बीमा योजना सरकार की तरफ से होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। तो ये जो योजना है ये मुख्यतः इसमें एक जो प्रश्न पूछा गया था कि ये किन के लिए है, यानी कि ये जो योजना है ये मुख्यतः विधवा जो महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 14 अप्रैल 2016 को, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद और एक आवास योजना आता है उसके बारे में भी आपको बता दूँ।
देखिए इसके बाद आता है, इसे देख लीजिए, बिरसा आवास योजना। ये जो योजना है ये एक्चुअल में है झारखंड की आदिम जनजातियों के लिए ये योजना लागू की गई है सरकार के तरफ से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो हो गया भीमराव अम्बेडकर योजना, वहाँ पे जो है वो विधवाओं महिलाओं के लिए है, और ये जो बिरसा आवास योजना है ये है आदिम जनजातियों के लिए। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करने के लिए प्रश्न हमेशा दिया जाता है, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत कभी तो 2008 में हुई है, बिरसा आवास योजना, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए तेजस्विनी योजना, इस योजना की अगर हम लोग बात करें तो इस योजना की शुरुआत एक्चुअल में झारखंड सरकार ने जो बंधुआ मजदूरी है उसको खत्म करने के लिए शुरू किया है। और कब इसकी शुरुआत हुआ है, तो इसका शुरुआत हुआ है 21 जून 2016 को। कब हुआ है, 21 जून 2016 को। और इसके लिए जो है विश्व बैंक ने 63 मिलियन डॉलर की सहायता राशि भी झारखंड सरकार को उपलब्ध कराई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दो चीज़ें, कि तेजस्विनी योजना के लिए जो है विश्व बैंक ने कितनी राशि उपलब्ध कराई थी, तो 63 मिलियन डॉलर, कितनी, 63 मिलियन डॉलर। और इसकी शुरुआत जो है 21 जून 2016 को ही, और ये योजना जो है किस लिए हुई है, तो बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।